स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड वर्सेस क्रेडिट एसिस ग्रामीण लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी। आज इनके स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे वैल्यूएशन पर और इनकी ग्रोथ पर, और देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा स्टॉक लेना बेहतर रहेगा और क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर्स रिटर्न दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पंदना स्फूर्ति वर्सेस क्रेडिट एसिस ग्रामीण, तो देखिए फ्रेंड 4 जून 2021 का डाटा है। इस डेट को इनकी मार्केट कैप देखिए कितनी थी। स्पंदना स्फूर्ति की मार्केट कैप थी 4,801 करोड़ रुपये और क्रेडिट एसिस ग्रामीण की मार्केट कैप 11,470 करोड़ रुपये। मीन्स क्रेडिट एसिस ग्रामीण स्पंदना स्फूर्ति से लगभग 2 गुने से ज़्यादा बड़ी कंपनी है। अब इनके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पी रेशो देख लेते हैं। पी रेशो पर 37.2 का पी है स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक का, और क्रेडिट एसिस ग्रामीण के स्टॉक का पी 80.6 है। तो पी वैल्यूएशन पर स्पंदना स्फूर्ति का स्टॉक सस्ता है क्रेडिट एसिस ग्रामीण के मुकाबले। अब प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो पर देख लेते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति का स्टॉक 1.77 के मल्टीपल पर है। मींस इस स्टॉक का करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू से 1.77 टाइम ज़्यादा है, और क्रेडिट एसिस ग्रामीण के स्टॉक का करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू से 3.16 टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो पर देखते हैं तो क्रेडिट एसिस ग्रामीण का स्टॉक स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक से लगभग 2 गुना महंगा दिखता है वैल्यूएशन के स्तर पर। और इनके ऊपर डेब्ट की बात कर लेते हैं कि कंपनी फाइनेंस की कंपनी है और डेब्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इनका बिजनेस चलता ही डेब्ट के ऊपर है। तो डेब्ट देख लेते हैं कि डेब्ट स्पंदना स्फूर्ति के ऊपर 5,193 करोड़ रुपये का डेब्ट है, वहीं क्रेडिट एसिस ग्रामीण के ऊपर 8,781 रुपये का डेब्ट है। तो फ्रेंड डेब्ट भी क्रेडिट एसिस ग्रामीण के ऊपर ज़्यादा है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब रिजर्व की बात कर लेते हैं। अब इन कंपनीज़ ने कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे जिसके कारण इनके पास अभी कुछ रिजर्व्स या सरप्लस होंगे। तो इनके पास जो रिजर्व्स है या कैश है वो देख लेते हैं। सिर्फ कैश नहीं है, कैश के अलावा और भी चीज़ें हैं। मीन्स कैश भी उसी में आता है रिजर्व्स में। तो आज की डेट में स्पंदना स्फूर्ति के पास 2,652 करोड़ रुपये के रिजर्व है, और ये रिजर्व से इसके ऊपर जो डेब्ट है वो 1.96 टाइम ज़्यादा है। मीन्स दुगने से भी कम डेब्ट है इसके पास जो इसके पास अपने रिजर्व है। तो रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं स्पंदना स्फूर्ति के पास इसके डेब्ट के अगेंस्ट में। वहीं क्रेडिट एसिस ग्रामीण के पास रिजर्व की बात करें तो वो 3,489 करोड़ रुपये के हैं, और यहाँ पर इनके रिजर्व से इसका जो डेब्ट है वो 2.52 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो स्पंदना स्फूर्ति की यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, क्योंकि इसके ऊपर जो डेब्ट है वो इसके रिजर्व के दुगने से भी कम है, लेकिन क्रेडिट एसिस ग्रामीण का जो डेब्ट है इसके रिजर्व के 2.5 गुने से ज़्यादा है। तो फ्रेंड वैल्यूएशन के स्तर पर और बैलेंस शीट की मजबूती के स्तर पर स्पंदना स्फूर्ति एक बेहतरीन स्टॉक दिखता है क्रेडिट एसिस ग्रामीण के मुकाबले। अब इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं ईयर वाइज, और इनके रेवेन्यू की बात करेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इनके कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साल तो बहुत ही ख़राब रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ हम इनके रेवेन्यू की बात करें कि वो कैसे ग्रो किया है, क्योंकि इन्हें प्रोविज़न ज़्यादा करने पड़े हैं अभी काफ़ी टाइम से। तो इनके जो नेट प्रॉफिट है वो तो काफ़ी बिगड़ गए हैं फ्रेंड, इसी वजह से इनके पी रेशो भी काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, जबकि एक्चुअल में इनको उतना नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है फ्रेंड, कोई बात नहीं। अब इनके रेवेन्यू देख लेते हैं साल दर साल कैसे ग्रो किए हैं, लास्ट में देखेंगे परसेंटेज में वो कितने ग्रो किए हैं। तो 2017 में स्पंदना स्फूर्ति का जो रेवेन्यू था वो 378 करोड़ रुपये का था, वहीं क्रेडिट एसिस ग्रामीण का 708 करोड़ रुपये का यहाँ इनका रेवेन्यू रहा था 2017 में। 2018 में रेवेन्यू इनके 587 करोड़ तक पहुँच गए स्पंदना स्फूर्ति के, और क्रेडिट एसिस ग्रामीण के ये 871 करोड़ रुपये रहे थे। 2019 की बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति के यहाँ पर रेवेन्यू 1,036 करोड़ रहे और क्रेडिट एसिस ग्रामीण के 1,282 करोड़ रहे। 2020 में 1,409 करोड़ स्पंदना स्फूर्ति के और 1,683 करोड़ क्रेडिट एसिस ग्रामीण के रहे। 2021 में 1,443 करोड़ रहे स्पंदना स्फूर्ति के और क्रेडिट एसिस ग्रामीण के रहे 2,028 करोड़ रुपए। अब इनको परसेंटेज देख लेते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी रही 2017 से 2021 के
बीच में जो रेवेन्यू की ग्रोथ है स्पंदना स्फूर्ति की वो 382% की बनती है फ्रेंड, और क्रेडिट एसिस ग्रामीण की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 286% की बनती है 2017 से 2021 के बीच में। तो फ्रेंड यहाँ पर पी वैल्यूशन के हिसाब से भी स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पर सस्ता स्टॉक है, और यहाँ पर जो इसकी बैलेंस शीट है वो भी क्रेडिट एसिस ग्रामीण के मुकाबले मजबूत दिखती है, और रेवेन्यू के ग्रोथ के स्तर पर भी स्पंदना स्फूर्ति क्रेडिट एसिस ग्रामीण से बेहतर दिखता है। लेकिन फ्रेंड दोनों ही कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की शानदार कंपनी है, और आने वाले टाइम में जैसे प्रिडिक्शन है कि माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इंडिया के अंदर, तो फ्रेंड इन दोनों ही कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखता है, और ये दोनों कंपनियां आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड ऐसा हमारा विचार है, यदि आपने इन स्टॉक्स में कोई पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। धन्यवाद।